Good morning class, this is our new anaphysio class in which today we will study about the remaining portion of excretory system in which we will study about the ureter, urethra, urinary bladder, etc. Now, first we will study about the ureters. तो आप जानते हैं दो ureters जो हैं वो आपके renal system के अंदर पाए जाते हैं. ये slender tubes होती हैं जो urine को convey करती है kidney से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक. यूरेटर्स ब्लैडर के बेस में एंटर करता है पोस्टर वॉल के द्वारा. लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है और 3 मिलीमीटर का इनका डायामीटर होता है. तो दो ट्यूब्स होती हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती हैं ये. ये कंटिन्यू एक फनल शेप के रीनल पैल्विस के साथ हो रही होती हैं, फिर डाउनवर्ड पास होती हुई एब्डोमिनल कैविटी से डाउनवर्ड पास होती हुई पेरिटोनियम के पीछे और सोवास मसल के फ्रंट में पेल्विक कैविटी में जाती है और ऑब्लिकली पास होती है ये ब्लैडर की पोस्टर वॉल के द्वारा. ये इसकी लोकेशन है, ये स्ट्रक्चर आपके देखिए. ये यूरेटर्स हैं, ये जो ट्यूब्स हैं ऐसी. ऊपर किडनी बताई गई है, यूरेटर की वॉल दिखाई गई है यहाँ से कट करके राइट साइड में देख सकते हैं आप. ये यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम है राइट किडनी का बताया गया और ये ब्लैडर में ये खुल रही है. अब यूरेटर की वॉल 3 लेयर्स पाई जाती है इसकी वॉल में, आउटर, मिडल और इनर लेयर. आउटर वॉल को एडवेंटिशिया, मिडल को मस्क्यूलर और इनर को म्यूकोसा लेयर कहते हैं. एडवेंटिशिया फाइब्रस टिश्यू की लेयर होती है जो कि कंटिन्यूस होती है फाइब्रस कैप्सूल के साथ में, किडनी के फाइब्रस कैप्सूल के साथ में कंटिन्यू रहती है. मिडल लेयर मस्क्यूलर लेयर है जो कि स्मूथ मसल फाइबर की बनी होती है और इनर लेयर म्यूकोसा है जो कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम से बनी होती है. ब्लड सप्लाई, यूरेटर जो है वो आर्टरियल ब्लड को रिसीव करता है 3 अलग अलग पार्ट से. अपर पार्ट रिसीव करता है रीनल आर्टरी से ब्लड सप्लाई को, मिडल पार्ट जो है वो टेस्टिक्यूलर या ओवेरियन आर्टरी, मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी और फीमेल में ओवेरियन आर्टरी से ब्लड सप्लाई लेता है यूरेटर का मिडल पार्ट. और यूरेटर का जो पेल्विक पार्ट है वो सुपीरियर वेसिकल आर्टरी से ब्लड सप्लाई लेता है. तो ब्लड सप्लाई में आर्टरियल ब्लड सप्लाई 3 अलग अलग पार्ट से आती है, जबकि वीनस ड्रेनेज जो है वीनस ब्लड ड्रेन्ड होता है वेन्स के द्वारा जो आर्टरी के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, जो अपन ने ऊपर अभी जितने नाम लिए वैसे जैसे जैसी आर्टरी आ रही है वैसे वैसे ही वीनस ड्रेनेज भी चलेगा. जितने नाम आर्टरी के हमने ऊपर लिखे हैं वैसे वैसे वीनस ड्रेनेज भी होगा. लिम्फ ड्रेनेज, यूरेटर से लिम्फ जो है वो लेटरल एओर्टिक नोड के अंदर ड्रेन होता है और इलियक नोड के द्वारा ड्रेन होता है. लेटरल एओर्टिक नोड और इलियक नोड जो है वो ड्रेन करता है यूरेटर से लिम्फ को. नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक नर्व्स होती है भाई यूरिनरी सिस्टम के अंदर, यूरेटर के अंदर एक्चुअली सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं. यूरेटर का फंक्शन क्या है, ये यूरिन को डालता है ब्लैडर में पैरिस्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा. जो यूरेटर है उसके स्मूथ मसल लेयर पैरिस्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन करती है जिससे कि यूरिन ब्लैडर में जाता है. ये यूरेटर का फंक्शन है बस. तो दो यूरेटर, दो किडनी हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. उसके बाद दो यूरेटर होते हैं किडनी से निकलते हुए जो हम अभी पढ़ चुके हैं. फिर एक यूरिनरी ब्लैडर जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये यूरिन का रिजर्वायर होता है. इसमें टेम्प्ररीली यूरिन जो है वो स्टोर होता है या रिजर्व होता है. ये एक पियर शेप का नाशपति आकार की स्ट्रक्चर होती है, अंडाकार भी ये बन जाती है जब इसमें यूरिन भर जाता है. ये स्मूद कोलैप्सिबल मस्क्यूलर सैक होता है यानी थैलेनुमा संरचना जो स्मूद होती है, कोलैप्स हो सकती है, मसल की बनी हुई होती है और इसमें यूरिन टेम्प्ररीली स्टोर हो रहा है. ये पैल्विक कैविटी में पाई जाती है. इसकी टोटल कैपेसिटी 600 ml यूरिन इसमें रह सकता है. ये रिट्रोपेरिटोनियल में पैल्विक फ्लोर पर प्यूबिक सिम्फाइसिस की पोस्टीरियरली लोकेटेड रहती है. मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इसको इसकी नेक को इन्फीरियरली सराउंड किए रहती है, जबकि फीमेल्स में वेजाइना और यूट्रस के एंटीरियर पार्ट में ये होता है. ये स्ट्रक्चर देखिए भाई यूरिनरी ब्लैडर की, ट्राइगोन, ये यूरेथ्रा में खुलनी है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस है. ये जो लेयर्स बताई हुई हैं उसको देखिए, ये यूरेटर है,
पेरिटोनियम लेयर, ये डिट्रोसर मसल इसके अंदर होती है जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करती है और यूरिन को कंट्रोल वगैरह करनी होती है, पास करना होता है, इनका रोल है डिट्रोसल मसल्स का। एडवेंटिशिया लेयर है इसकी, यूरेट्रिक ओपनिंग, जो यूरेटर ओपन हो रहा है आगे जाकर के यूरेथ्रा में। ये ट्राइगोन है इसकी ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ट्राइगोन। ये ब्लैडर की नेक है, जो हमने बोला कि मेल के अंदर ब्लैडर की नेक के बारे में भी स्ट्रक्चरली अपन ने बताया था। ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है जो कि यूरिन को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो इसके नेक को सराउंड किए रहती है मेल के अंदर, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बताया गया है। ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर हैं। फिर यूरोजेनाइटल डायफ्राम, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और डक्ट बताई हुई है। पेनिस का क्रस मेल के अंदर, मेल वाली स्ट्रक्चर है ये ए पार्ट। पेनिस का बल्ब बताया हुआ है, स्पंजी पेनाइल यूरेथ्रा है ये। ये इरेक्टाइल टिश्यू है पेनिस के जो इरेक्शन में काम आते हैं, और ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस है जिससे कि ये बाहर खुलता है, यूरिन पास आउट होता है। अब ब्लैडर में तीन लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडल और इनर लेयर। आउटर लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसमें ब्लड, लिम्फ वेसल्स और नर्व सप्लाई होती हैं। ये पेरिटोनियम के द्वारा, पेरिटोनियम इसके अपर सरफेस पर इसको कवर किए रखती है, आउटर लेयर के अपर सरफेस को पेरिटोनियम कवर करके रखती है। मिडल लेयर इंटरलेसिंग स्मूथ मसल फाइबर्स और इलास्टिक टिश्यू की बनी हुई होती है जो लूजली तीन लेयर्स में अरेंज रहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, डिट्रसर मसल कहते हैं। नाम याद रखिएगा भैया, डिट्रसर मसल। इनर लेयर म्यूकोसा की इनर लेयर होती है जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ये नाम भी याद रखिए, सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी के अंदर पढ़ाते हुए मैं पूछूंगी ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरेथ्रा, क्योंकि मेटाप्लेसिया एक कंडीशन होती है जिसमें ये लेयर रिप्लेस हो जाती है दूसरी लेयर से या दूसरी सेल से। ये यूरिनरी ब्लैडर, दोनों यूरेटर आकर के खुल रहे हैं, पेरिटोनियम की कवरिंग है। ये डिट्रसर मसल आपको मस्कुलर लेयर जो दिखाई गई है, ये सब म्यूकोसा। म्यूकोसा ये रगी पार्ट है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये ट्राइगोन स्ट्रक्चर इसकी, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू नीचे बताए हुए हैं दो लेयर्स में। ये इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस, जहाँ से ये ऑरिफिस मतलब वो छेद जो यूरेथ्रा का छेद है अंदर की तरफ, और ये जब बाहर इसको डिस्चार्ज कर देता है वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस है जिसके चारों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में पाई जाती है। अब तीन ऑरिफिस ब्लैडर वॉल में होते हैं जो कि ट्राइंगल बनाते हैं, और इसको अपन ट्राइगोन कहते हैं। ब्लैडर की वॉल में तीन ऑरिफिस होते हैं, तीन छेद होते हैं जो क्या बनाते हैं, ट्राइंगल, इनको अपन ट्राइगोन कहते हैं। दो ऑरिफिस पोस्टर वॉल पर होते हैं यूरेटर की ओपनिंग के, और एक लोअर ऑरिफिस जो कि यूरेथ्रा में खुलता है। दो तो जहाँ पर यूरेटर खुलेंगे, क्योंकि यूरेटर पोस्टरली खुल रहे हैं ना यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और एक जो ब्लैडर का ऑरिफिस है वो यूरेथ्रा में खुलता है। ब्लैडर डिस्टेंसेबल और कोलैप्स होते हैं जब वो एम्प्टी हो जाते हैं, खाली होने वाला पिचक जाएगा ब्लैडर जो है। यूरिन जब एक्यूमुलेट होता है तो ब्लैडर एक्सपांड होता है बिना इंटरनल प्रेशर को राइज किए। ये फिर ये फीमेल यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा बताया गया है भाई। ये पहले अभी तक जितनी स्ट्रक्चर्स अपन ने पढ़ी थी, तो देखो ट्राइगोन ऊपर जो दो छेद बने हैं उसमें तो यूरिनरी वो तो खुल रहे हैं यूरेटर उसके अंदर, नीचे वाला छेद जो है वो यूरेथ्रा में खुल रहा है तो इसको ट्राइगोन कहते हैं। ब्लड सप्लाई, इसमें सुपीरियर इन्फीरियर वेसिकल आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज में वेन्स जो है वेसिकल वीनस प्लेक्सस से आती हैं, फिर ड्रेन करती है इंटरनल इलियक वेन के अंदर। वेसिकल वीनस प्लेक्सस से आती हुई वेन अपना जो मटेरियल है वो ड्रेन कर रही है इंटरनल इलियक वेन के अंदर। नेक्स्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड के द्वारा के अंदर। नर्वस सप्लाई में सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों नर्व्स इसको सप्लाई कर रही होती है। लास्ट पार्ट यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, ये कैनाल है जो कि ब्लैडर की नेक से बाहर की तरफ खुल रही है, ब्लैडर की नेक से आती हुई बाहर की तरफ खुल रही है एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस के द्वारा। ये बाहर की तरफ खुलती है, ये मेल में फीमेल के कंपेरिजन में थोड़ी लॉन्गर होती है, कि मेल यूरेथ्रा लंबी है तो उसमें ऑब्वियस है तीन अलग अलग रीजन्स हैं उसके, वो बड़ा पार्ट है तो उसमें रीजन्स भी होते हैं, तो तीन अलग अलग रीजन्स है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और स्पंजी यूरेथ्रा। स्पंजी यूरेथ्रा को पिनाइल यूरेथ्रा भी कहते हैं।
प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के अलोंग रन करती रहती है। मैंने बताया भाई इसके नेक में, यूरिथ्रा के नेक में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड उसके चारों तरफ सराउंड किए रहती है। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा जो है वो यूरोजेनाइटल डायफ्राम के अलोंग रन के द्वारा रन कर रही होती है, और स्पंजी पेनाइल यूरिथ्रा जो है वो पेनिस में पास होती है और बाहर एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस के द्वारा खुलती है। तो ये पेनिस की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी लंबी होती है मेल के अंदर। तो ये फीमेल और ये मेल के अंदर आप डायग्राम देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यूरिथ्रा, देखिए फीमेल की यूरिथ्रा देखिए इतनी स्मॉल, और मेल की यूरिथ्रा देखिए काफ़ी लंबी एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। ये मेल में लगभग 19 से 20 सेंटीमीटर लंबी, जबकि फीमेल केवल 4 सेंटीमीटर लंबी और 6 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। मेल यूरिथ्रा का फंक्शन होता है ये ब्लैडर से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है सबसे पहला और मेन फंक्शन के भाई ये ब्लैडर से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है। ये फंक्शन तो मेल फीमेल दोनों में है, पर दूसरा फंक्शन कि ये सीमेन को भी पेनिस के टिप से बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। सीमेन जिसमें स्पर्म सेल्स होते हैं, फ्लूड होते हैं जो सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट से सीक्रेट होता है, उसको सीमेन कहते हैं। तो वो पेनिस के टिप से बाहर निकलता है। अब यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं भाई? तो यूरिनल कैल्क्यूलाई बन सकता है, यानी स्टोन का बनना जिसको आप यूरोलिथियासिस कहते हैं। दूसरा यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है जिसको आप यूटीआई कहते हैं। तीसरा ग्लोमेरुलर डिजीज जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह हो सकती है। रीनल फेलियर और जिसको आम भाषा में किडनी फेल होना कहते हैं। और लास्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जिसमें किडनी के अंदर सिस्ट बन जाती हैं। किडनी के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पर यूजुअली ये सेलुलर वेस्ट के एक्सक्रीशन से जुड़ी हुई है। सेलुलर वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो लीवर से प्रोड्यूस होता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन के द्वारा, या आप कहिए प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म जो लीवर में चलता है उससे एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसको आप यूरिया कहते हो। ये यूरिन का मेन कॉम्पोनेंट होता है, 2% यूरिया पाया जाता है यूरिन के अंदर। यूरिक एसिड डीएनए और आरएनए के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है, और क्रिएटिनिन मसल के एक्शन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। मसल के अंदर क्रिएटिन पाया जाता है और उसके एक्शन से एक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको आप क्रिएटिनिन कहते हैं। ये सभी कंपाउंड जो हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, नाइट्रोजन में मेन कॉम्पोनेंट होता है। तो किडनी जो है वो, द किडनीज आर मोर देन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, देर आर वन ऑफ द मेजर होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन के अलावा हमारे बॉडी का होम्योस्टैटिक ऑर्गन भी है, यानी बैलेंस बना करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर। ये वाटर पीएच को कंट्रोल करता है, इराइथ्रोपोइटिन का सीक्रीशन करता है। इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो कि रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा ये विटामिन डी के प्रोडक्शन को भी एक्टिवेट करता है हमारी स्किन के अंदर। इसलिए यूरिन सैंपल के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि उसके थ्रू हमारे को बहुत सारी जानकारियां हासिल होती है। बस इसके साथ ही हमारा ये जनरल एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, इस चैप्टर का नाम था एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर यूरिनरी सिस्टम के नाम से इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम सारी ब्लड सप्लाई, सारी स्ट्रक्चर्स डिटेल में, उसके लेयर वेयर सेल्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।